सोने नहीं दे रहा है। और दुर्भाग्य यह है कि संसद में बहस इस बात पे चल रही है कि एसपीजी इन्हें मिले कि उन्हें मिले। एक लड़की जला दी गई है, गृह मंत्री कहते हैं कि उसने घर वालों को फोन क्यों किया, हमारी पुलिस को फोन क्यों नहीं किया। यहां सिविल वर्दी में पुलिस के अधिकारी भी बैठे हैं, यहां सरकार चलाने वाले भी बैठे हैं, यहां सदन चलाने वाली भी हमारी मां बैठी है। मैं तो इन सब से पूछना चाहता हूं कि 70 सालों में हमारे घर की बेटियों को आपने ये भरोसा और आत्मविश्वास क्यों नहीं दिया कि वो संकट में फंसने पर आपको पहले फोन करें, अपने घर वालों को बाद में फोन करें। हमारे एक कवि मित्र की, दिवंगत कवि मित्र राजगोपाल सिंह की पंक्तियां हैं कि मौन ओढ़े हैं सभी, दुश्वारियां होंगी जरूर। मैं चूंकि विचलित हूं इस प्रश्न को लेकर, और इस मजमे में जितने लोग हैं जिनके घर में बेटियां होंगी वो भी विचलित होंगे कि मौन ओढ़े हैं सभी, दुश्वारियां होंगी जरूर, राख के नीचे दबी दबी चिंगारियां होंगी जरूर। और ये उन आधी आबादी की नुमाइंदगी करने वाली हमारी माओ को, बहनों को, बेटियों को स्वर्गीय राजगोपाल सिंह का शेर। और आज रात आप जश्न राहत के बाद विचार करें कि वो कौन लोग हैं। उन शायद उन्होंने मुशायरे नहीं सुने हैं, शायद उन्होंने कभी सम्मेलन नहीं सुने हैं, शायद वो अच्छे लोगों के सत्संग में नहीं बैठे हैं जो उन्हें आधी रात मदद मांगती हुई एक लड़की के लिए ये अत्याचार करने का मन सूझा। दुर्भाग्य है कि जानवरों का इलाज करने वाली वो बेटी मनुष्य के अंदर बैठे हुए जानवर को नहीं पहचान पाई। इसका विज्ञान उसे नहीं सिखाया गया कि मौन ओढ़े हैं सभी, दुश्वारियां होंगी जरूर, राख के नीचे दबी चिंगारियां होंगी जरूर। और हम श्रद्धांजलि दें अपनी इन भावनाओं के साथ, इन पंक्तियों पर आपका समर्थन मिले कि राख के नीचे दबी चिंगारियां होंगी जरूर। आज भी आदम की बेटी हंटरों की जद में है, हर गिलहरी के बदन पर धारियां होंगी जरूर। इस कवि सम्मेलन में ऐसे सवाल भी इस मुशायरे में उठाए जाए ऐसी मुझे आशा है। और ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अपनी कविताओं से, अपनी गजलों से उत्तर देने वाला एक बहुत लोकप्रिय